और चलिए बात करेंगे आगर मालवा के जिले के नलखेड़ा में प्रसिद्ध है सिद्धपीठ यानी कि मां बगलामुखी का मंदिर है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि मां के दर्शन करने से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान मिला। आइए आपको दिखाते हैं और जानते हैं इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के बारे में। आगर मालवा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में विराजमान है मां बगलामुखी सभी कामों की सिद्धिदात्री। मां बगलामुखी जिनके एक ओर धन दायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्या दायिनी मां सरस्वती विराजित हैं। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करीब 1500 साल पहले राजा विक्रमादित्य के काल में हुआ। मंदिर के ठीक सामने 80 फट ऊंची दीपमाला दिव्य ज्योत को अलंकृत करती हुई विक्रमादित्य के शासन काल की अनुपम निर्माण की एक और कहानी बयां करती है। मंदिर में 16 खंभों का सभा मंडप बना है जो करीब 250 साल पहले बनाया गया। बगलामुखी पीताम्बर स्वरूप में यह विराजमान है, यह पिंडी रूप पर यह विराजमान है। कहा जाता है कि बगलामुखी माँ है, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना किया थी। किंवदंती है कि मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित है। काल गणना के हिसाब से ये स्थान करीब 5000 साल पहले से स्थापित है। मां बगलामुखी की ये प्रतिमा पीताम्बर स्वरूप की है, पीत यानी पीला, और इसलिए यहाँ पीले रंग की सामग्री चढ़ाई जाती है। पीला कपड़ा, पीली चुनरी, प्रसाद, फूल आदि। इस मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक बनाने का भी प्रचलन है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे मैं हमेशा आती रहती हूँ और जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ माँ पीताम्बर भाई से, उसके बाद से मेरी निरंतर प्रगति हो रही है। मेरे बच्चों का बहुत अच्छा एजुकेशन चल रहा है, घर परिवार में भी सब कुछ बहुत अच्छा है। माँ बगलामुखी के बारे में सुना, जो भी यहाँ आता है मन्नत लेके उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हम भी हमारे मन में एक मनोकामना लेके आए हैं, माँ अवश्य बगलामुखी माता जी हमारी मनोकामना पूर्ण करेगी। यह मंदिर अति प्राचीन होकर पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर पांडव अज्ञातवाद के समय पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ माता मंदिर पहुंचे थे। यहाँ पर उनके द्वारा माता रानी की पूजा, आराधना, हवन, अनुष्ठान किए गए थे। यहाँ से उनको माता रानी द्वारा विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान किया गया था। तो इसी को लेकर मान्यता है कि जो राजनीति स्तर के लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में माता के दरबार में पहुंचते हैं, वो खासकर चुनाव के समय पर उनके द्वारा यहाँ पर विशेष हवन, अनुष्ठान, पूजा संपन्न करवाई जाती है, जिनके तो माता के द्वारा विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर माता के मंदिर में इस बार अंदर स्वर्ण और चांदी से रंजित सुंदरीकरण भी किया गया है, जो भी भक्तों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आगर मालवा से INH के लिए योगेंद्र मकवाना।